गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुलम। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी के एमपी के टॉप करंट अफेयर्स लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर दिन बोलता हूं कि यदि आप नए व्यूअर्स हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन ज़रूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन निरंतर और सबसे पहला मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर डीपी सिंह, मतलब कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, थर्ड आंसर क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है मध्य प्रदेश में बृहद लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में बृहद लोक बड़े स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है, इसकी डेट फिक्स हो चुकी है, तो कब किया जाएगा यह? तो इसका आंसर रहेगा 9 मार्च 2019 को। कब किया जाएगा? 9 मार्च 2019 को किया जाएगा। इसमें क्या होगा, नागरिकों को राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जो है इसको इस तरह की लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों कल हमने दो चीज देखा था कि आगामी जो मध्य प्रदेश में आयोजन होने वाले हैं इनके बारे में। आज हमने क्या देखा, बृहद लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च 2019 को किया जाएगा। कल के वीडियो में हमने देखा था कि सबला महिला सभा का आयोजन तो कब किया जाएगा दोस्तों, यह 8 मार्च को, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में खासकर एमपीपीएससी का जो एग्जाम है इसमें पूछ सकता है। तो सबला महिला सभा का आयोजन 8 मार्च को जो है किया जाएगा 2019 में, और प्रियदर्शनी महिला सभा का आयोजन 19 नवंबर को। कब किया जाएगा? 19 नवंबर को जो है इसका आयोजन किया जाना है। तो इन दो तीन चीज़ों को याद रखें आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आगे बढ़ने से पहले आज के हम लाइक का टारगेट फिक्स कर लेते हैं। तो आज का भी हमने वापस से जो लाइक का टारगेट रखा है वह 2500 लाइक का हमने रखा है। आप जो है 2500 लाइक करके हमें दें और हम ऐसे ही आपके लिए निरंतर हर दिन का करंट अफेयर्स लेकर आते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आरंभ कहाँ पर हुआ है? तो खेलकूद प्रतियोगिता पुलिस जो है शुरू हुई है, तो यहाँ कहाँ कहाँ पर शुरू हुई है? यह हुई है जबलपुर में शुरू हुई, और कब से कब तक चलेगी है मैं आपको बता दूँ, 6 जनवरी से। कब से? 6 जनवरी से 14 जनवरी तक। ठीक है, 6 जनवरी से 14 जनवरी तक, इस डेट को आप याद रख लें। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1958 में संशोधन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, इसको याद रखें, यह एग्जाम में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश राजस्व भू राजस्व संहिता कब जो है बना, तो 1959 में। अब इसमें संशोधन किया जाना है और इसके लिए एक समिति गठित की गई है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आंसर रहेगा इसका IS ढाणी। ठीक है, IS ढाणी, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसके उपाध्यक्ष भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, तो कौन है? मनीष रस्तोगी। ठीक है, याद रखें आप, मनीष रस्तोगी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति क्या है, भू राजस्व संहिता 1959 में जो उसके नियमों की समीक्षा करेगी और नए नियम कानून बनाने के लिए जो है सजेस्ट करेगी गवर्नमेंट को। चलिए आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न हम देखते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज का, मध्य प्रदेश के किस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर आप देखें, मध्य प्रदेश की यह कार्यकर्ता हैं और 2017-18 के लिए राष्ट्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनको प्रदान किया गया है। तो इनका नाम है नंदा गिरी। क्या नाम है दोस्तों इनका? नंदा गिरी इनका नाम है। इनके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। यह जो है बैतूल जिले की रहने वाली, कहाँ की? बैतूल जिले की रहने वाली हैं, और इनको नई दिल्ली में एक समारोह में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने, किसने? मेनका गांधी ने इनको जो है यह अवार्ड से सम्मानित किया है।
बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके तहत इनको 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र इनको पुरस्कार राशि प्रदान की गई है, तो आप इसको याद रखें। चलिए आगे बढ़ें। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जिस तरह से MPPSC बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे कि जनवरी में इसका नोटिफिकेशन जिस तरह से कैलेंडर में दिया है और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ही आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखें। और अपनी तैयारी जाँचने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज आप जो है परचेज कर सकते हैं। यह मात्र 300 रुपये में आपको मिल जाएगी। यह जो है आपको आपके व्हाट्सएप पे PDF के थ्रू आपको मिल सकती है, आपके टेलीग्राम चैनल में हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जो भी आपका है वहां हम दे सकते हैं। तो इसमें टोटल टेस्ट रहेंगे 20-35, फुल लेंथ रहेंगे 20 टेस्ट, और 15 टेस्ट इसमें करंट अफेयर्स MP करंट अफेयर्स के बेस्ड रहेंगे, और 500+ MP करंट अफेयर्स के आपको दिया जाएगा। और यह सीरीज जो है 15 फरवरी तक यह सीरीज चलेगी, ठीक है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है MPPSC टेस्ट इतना लिख के हमें व्हाट्सअप कर दें, ठीक है, इस नंबर पे, और हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आपसे जो है इसके संबंध में बात कर लेगी। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो ही आप इसमें मैसेज करना। और एक और रिक्वेस्ट है, MP पुलिस और SI वाले जो SI की तैयारी कर रहे हैं, कृपया वो अभी इसमें मैसेज ना करें, क्योंकि उनके लिए अभी हमारे पास में कुछ भी यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल नहीं है। जैसे ही उसके लिए बनेगा, उसका हमारा क्रैश कोर्स हम MP पुलिस और SI के लिए बनाएंगे, या फिर उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह जो बनाएंगे हम, तो वो उसके लिए आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं है, अभी सिर्फ MPPSC प्री के लिए उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जैसे कि हमने एक और सीरीज स्टार्ट की है, वह है मध्य प्रदेश GK की। ऐसे प्रश्न हम इसमें लेके आते हैं जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको अधिक बुकों में यह मिलते नहीं हैं। तो प्रश्न क्या है, पहला, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधीवादी और सर्वोदयी व्यक्ति से जुड़ी जो जानकारियां हैं, यह जो है इस केंद्र में दी जाती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय है मुरैना में, यहाँ पर दी जाती हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी? सुब्बा राव ने। आंसर क्या रहेगा इसका? सुब्बा राव इसका आंसर रहेगा, गांधी आश्रम। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व क्या पुकारा जाता था? तो मध्य प्रदेश गठन से पूर्व 1956 में मध्य प्रदेश क्या पुकारा जाता था? पार्ट A के नाम से इसको पुकारा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, घोड़ा डोंगरी किस जिले में स्थित है? आप मुझे कमेंट्स में आज बताइए, घोड़ा डोंगरी किस लिए प्रसिद्ध थी? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं तो आप जरूर बताएं। और ये किस जिले में स्थित है? बैतूल जिले में जो है यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मौखरी वंश का क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मौखरी वंश आपसे पूछा है, तो मौखरी वंश का क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा दसपुर मंदसौर के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मौखरी वंश का राज हुआ करता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न हम देखें, चारूर हाइवा चावल वसूली प्रकरण किस जिले से संबंधित है? तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना जानिए कि चारूर हाइवा एक जो है चावल वसूली प्रकरण था, यह किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा सीधी जिले में यह हुआ था। तो दोस्तों आज के यह प्रश्न आपके टॉप जो है करंट अफेयर्स, और हमने GK के प्रश्न देखे। आने वाले दिन में हम और प्रश्न देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।